बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एमजीटी 485 के साथ लेक्चर नंबर 11 आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जी। लेक्चर नंबर 11 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं ये बिजनेस के हवाले से, दैट इज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट फैक्टर। लेकिन उससे पहले हम लेक्चर नंबर 10 का एक रीकैप देख लें। लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या कवर किया था? वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज की बात की थी हमने, स्विचिंग कॉस्ट की बात की थी, क्रिटिकल मास ऑफ कस्टमर्स की बात की थी और प्राइसिंग की बात की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लेक्चर नंबर 10 में हमने कवर किए थे। आई होप आपने लेक्चर नंबर 10 की वीडियो देख ली होगी और इन टॉपिक्स में कोई ऐसा इशू कुछ भी नहीं था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। लाइक क्रिटिकल मास ऑफ कस्टमर्स जो है ये हम शायद दूसरी या तीसरी दफ़ा डिस्कस किया था हमने। इसी तरह स्विचिंग कॉस्ट बहुत एक आसान सा टॉपिक था, स्टिल इट वॉज पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, तो इसलिए मुझे एक रिपीटेशन इसको देनी पड़ी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इन टॉपिक्स के हवाले से इनकेस आपको कोई इशू आ रहा हो, कोई ऐसी बात जो कि आपको स्टिल समझ नहीं आ रही, तो आई रिकमेंड प्लीज अगेन गो टूवर्ड्स द बुक जो आपको किताब मैंने रिकमेंड की है, ई बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी बाय कॉलिन कॉम्बी। उस किताब को देखें और कुछ हैंडआउट्स जो आपके पास मेरे लिखे हुए या मेरी कंपाइल किए हुए पहुंचते हैं, उन हैंडआउट्स को भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हैंडआउट्स में भी मैं इन चीज़ों की डिस्कशन कर रहा हूं और उन हैंडआउट्स का मतलब ये है कि आपको इस लेक्चर के हवाले से जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं मैं उनको ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल मैं फिर यही कहूँगा कि इट्स नॉट ऑल एंड ऑल जो मैं आपको वीडियो में बता दिया, जो मैंने आपको हैंड आउट में लिख के दे दिया, दैट्स नॉट ऑल। आपकी किताब और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जब आप वो उसको कंसल्ट करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे, आपको चीज़ें समझ आएंगी। रीज़न मेरे पास यही है इस चीज़ की कि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम होता है जी। मैं इस अगर मैंने ये पिछली स्लाइड में पिछले अपने तो सॉरी वीडियो में मैंने 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं या 5 इश्यूज डिस्कस किए हैं ये बिजनेस के हवाले से, तो ऑन एवरेज आई हैव अबाउट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स फॉर ईच टॉपिक, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बट व्हेन यू विल रीड इट थ्रू द बुक, व्हेन यू विल रीड इट थ्रू सम अदर मटेरियल, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। और उसके बाद अगर आपका एक ह्यूमन माइंड की रिटेंशन को देखा जाए, अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उसका 50% रिटेन कर लेते हैं, तो इवन यू विल बी हैविंग मच मोर इन्फॉर्मेशन देन मी, मच मोर नॉलेज देन मी। सो नॉलेज इज नॉलेज के सोर्सेज बता दिए आपको, सोर्सेज की तरफ रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन अब पढ़ना आपका काम है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना आपका काम है। खैर हम लेक्चर नंबर 11 आज की डिस्कशन की तरफ हम जा रहे हैं जी। आज हमने जो कॉन्टेंट्स कवर करने हैं दे आर अबाउट ई कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरमेंट, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई कॉमर्स, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। बट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की डिटेल जो है या इन सिक्योरिटी थ्रेट्स की हम इनके काउंटरफॉल इनको कैसे कर सकते हैं, हम इनको कैसे इनका मदावा कर सकते हैं, इसकी बात हम या इसकी डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की सिर्फ आपको एक एक हिंट एक फिगर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और थ्रेट्स में जब आप बात करें तो थ्रेट्स के हमेशा काउंटरफॉल्स, हमेशा काउंटर अटैक उसका कुछ ना कुछ तैयार करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तैयार होता है। जैसे कि एक बहुत कॉमन और बहुत एक आम फहम में ये लफ्ज बोला जाता है कि वायरस है जी, ये वायरस आ गया है, तो डेफिनेटली जब वायरस आया है तो उसके लिए एंटीवायरस हम डिजाइन करते हैं। एंटीवायरस इज अ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, व्हाइल वायरस इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई आपके कंट्रोल में नहीं है। इट्स ऑल्सो वायरस इज ऑल्सो अ प्रोग्राम। ऐसे हमारे कुछ हजरात व खवातीन हैं कि जो प्रोग्रामिंग को नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए जब इस्तेमाल होगा तो वायरस बनेगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उस वक्त हम अच्छी अच्छी गेम्स बना रहे होते हैं, हम एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं। So security threat can be a virus, while the technology solution can be an antivirus or any firewall, any
एनी प्रोग्राम के जो उस वायरस को कंट्रोल कर सके, जो उस वायरस को आगे फैलने से बचाए. इट इज कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, ई कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरमेंट. इसको हम देख लें जी कि सिक्योरिटी एनवायरमेंट है क्या. साइबर क्राइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में FIA का एक इदारा भी है जो कि साइबर क्राइम पे काम कर, FIA का एक सेल है जो कि साइबर क्राइम पे काम भी कर रहा है. और हमारे यहाँ साइबर क्राइम बदकिस्मती से खैर इतनी ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं है साइबर क्राइम की, क्योंकि हमारे यहाँ जो जो रेशो है ऑनलाइन बाइंग की या जो रेशो है इंटरनेट पे शॉपिंग की वो बहुत कम है. लेकिन स्टिल ये साइबर क्राइम हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको रोकने के लिए या इसको इसको इसका मदावा करने के लिए कोई तरीका नहीं है. कोई ऐसा अभी तक कोई लॉ मौजूद नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन मौजूद नहीं है. जो भी चीज़ें हैं वो उनको आप प्री मेच्योर कह सकते हैं या वो चीज़ें अभी तक फाइनलाइजेशन की स्टेजेस पे हैं. लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको क्लियरली बता सके कि दिस इज साइबर क्राइम और इस साइबर क्राइम की ये सजा होगी. इवन साइबर क्राइम को हम क्राइम उस सूरत में कह सकते हैं जब वो क्राइम साबित हो जाता है. हमें ये तो जरूर पता लगता है कि जी ये किसी ने कंप्यूटर के थ्रू या किसी ने टेक्नोलॉजी के थ्रू ये नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं सकते, हम उस सोर्स तक नहीं पहुंच सकते. हमारे पास, मैंने पहले भी शायद एक आध दफ़ा बात की है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है, हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में थोड़ा सा पीछे हैं. बट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड द साइज एंड लॉसेस ऑफ साइबर क्राइम, दे आर अनक्लियर एंड देर आर रिपोर्टिंग इशूज. अगेन जिस तरह पाकिस्तान में है, इस तरह कई और मुल्कों में भी प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं. कई मुल्कों में रिपोर्टिंग के इश्यूज हैं कि कई मुल्कों में वो रिपोर्ट नहीं होते या उनको उस तरह से मेजर नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम नॉर्मली क्राइम्स को देख रहे होते हैं. और एक सर्वे था, CSI सर्वे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स सर्वे 2008 का, जिसमें 49% रिस्पोंडेड फर्म्स डिटेक्टेड सिक्योरिटी ब्रीच इन लास्ट ईयर. के फर्म्स में से तकरीबन आप कह लें नियरली हाफ ऑफ द फर्म्स दे सेड के सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पिछले एक साल में उनकी कंपनी में. ऑफ दोज दैट शेयर्ड नंबर्स द एवरेज लॉस वॉज $288,000. ये वर्ल्ड वाइड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की फिगर्स नहीं है. और रीजन इन फिगर्स की आगे मैं कुछ अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ की भी थोड़ी बहुत बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन लॉ की भी बात करूंगा तो वो इंटरनेशनल लॉ में मैं आपको कुछ डिस्कशन करूंगा. मैं पाकिस्तानी लॉ क्योंकि ऐसा सच नहीं है इसलिए मैं पाकिस्तानी लॉ की बात नहीं कर सकता. सो 50% ऑफ द फर्म्स सेड के पिछले एक साल में कुछ सिक्योरिटी ब्रीच उन्हें देखने में मिला है, सिक्योरिटी इशू आया है उनके पास. और ये वो कंपनीज है जिन्होंने अपना डेटा शेयर, और उनमें से सॉरी उन इन तमाम कंपनीज में से वो लोग के जिन्होंने या वो फर्म्स जिन्होंने अपना डेटा शेयर किया है, नंबर्स शेयर किए, तो एवरेज लॉस तकरीबन $228,000 था. और अंडरग्राउंड इकोनॉमी मार्केट प्लेस, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी का कंसर्न है. अंडरग्राउंड इकोनॉमी मार्केट प्लेस के स्टोलन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अंडरग्राउंड इकोनॉमी सर्वर्स, कि आप जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, सॉरी इंफॉर्मेशन चोरी की हो जाती है, उस इंफॉर्मेशन को एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी सर्वर में जाके स्टोर कर दिया जाता है, सो दैट सम स्पेसिफिक पीपल कैन ओनली एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन एंड गेट बेनिफिट. जिसको हम इलीगल डेफिनेटली कहेंगे, इलीगल है ये काम, लेकिन अगेन इट्स अ वेरी हाई लेवल थिंग. तो उसके लिए इस इंफॉर्मेशन को स्टील करना, इस इंफॉर्मेशन को अंडरग्राउंड इकोनॉमी सर्वर्स पे रखना और स्पेसिफिक लोगों तक उसकी रीच पहुंचा देना, ये एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी एनवायरमेंट में एक हमारा कंसर्न था जो हमने देखा. कुछ फिगर्स बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम कंप्यूटर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट CSI अबाउट द टाइप ऑफ अटैक्स अगेंस्ट कंप्यूटर सिस्टम, साइबर क्राइम जिसकी हम अभी बात भी कर रहे हैं,
तो इसमें आप ये देखेंगे वायरस जो है उसकी तादाद सबसे ज्यादा है कि तकरीबन 50% जो अटैक्स है वो कंप्यूटर सिस्टम पे वायरस की वजह से होते हैं. और ये वायरस जो है ये इनफैक्ट इसका इसका अटैक का तरीका या इसका अटैक का जो जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है. आपका एक प्रोग्राम क्रैश होने से लेकर आपके कंप्यूटर का सारा डेटा उड़ जाने तक तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं. कई दफा आपकी जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको करप्ट कर देता है, कई दफा आपके हार्डवेयर को खराब कर देता है, बहुत सी चीजें. एंड गोइंग ऑन फर्दर देर आर सम इनसाइडर अब्यूज जो कि 44% है कि कहीं कोई इनसाइडर है, कहीं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है जिसने कोई कोई प्रॉब्लम की है, जिसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है. लैपटॉप थेफ्ट के आपका कंप्यूटर आपका लैपटॉप चोरी हो गया, ये को 42% के केसेस रजिस्टर हुए, 42% के साथ ये प्रॉब्लम हुआ. अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लाइक आपका पासवर्ड जो है वो किसी ने चोरी कर लिया, या आपका कंप्यूटर जो है वो लॉग इन था और किसी ने आके उसको यूज किया, ऐसे केसेस जो है वो 29% हैं जी. IM मिसयूज इंटरनेट मैसेंजर जो है वो मिसयूज हुआ, ये को 21% केसेस है. डिनायल ऑफ सर्विस जो है इस किस्म का इशू आया, जिस इस डिनायल ऑफ सर्विस पे हम बात भी करेंगे. ये जो कुछ ऐसे इश्यूज है जो कि समझ नहीं आ रहे आपको, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कुछ ऐसे नाम है जो आपको नहीं समझ आ रहे, तो डोंट बी वरीड, हम इन पे बात करेंगे. ये डिनायल ऑफ सर्विस जो है ये 21% था. BOTS जो था ये 20% था. थेफ्ट ऑफ कंज्यूमर डेटा या कस्टमर डेटा जो है वो 17% था कि किसी ने आपका डेटा चोरी कर लिया. अब्यूज ऑफ वायरलेस नेटवर्क जो है कि किसी वायरलेस नेटवर्क में कोई सिक्योरिटी ब्रीच था और उसकी वजह से आपके आपके कंप्यूटर से कोई डेटा चोरी हुआ या आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आया, ये 14% था. फिर सिस्टम पेनिट्रेशन, किसी ने कोई आपके सिस्टम में घुस के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऐसा पॉसिबल है कि आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करके वहां से इंफॉर्मेशन चोरी कर ली जाए, ऐसे केसेस 13% थे. फाइनेंशियल फ्रॉड हुए 12%. एंड ये मैं आपके साथ 2009 की फिगर्स शेयर कर रहा हूँ जी, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की. मिस यूज ऑफ वेब एप्लीकेशन ये 11% केसेस है. पासवर्ड स्निफिंग के आपका पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया, चोरी कर लिया, 9% केसेस है. थेफ्ट और लॉस ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन, ये को 9% केसेस सेम ऐसे ही अटैक हुए, ऐसे ही अटैक्स देखने में आए, साइबर क्राइम्स देखने में आए. DNS अटैक्स जो थे, डोमेन नेम सर्वर अटैक्स जो है वो 8% थे. वेबसाइट डिफेसमेंट, किसी ने आपकी वेबसाइट को जो है वो खराब कर दिया, या वेबसाइट के ऊपर को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, ऐसे केसेस 6% थे. इसके अलावा बहुत से और तरीके भी हैं जहां पे बहुत से और टाइप्स ऑफ अटैक्स भी हैं जिसके थ्रू साइबर क्राइम या कंप्यूटर सिस्टम्स को खराब किया जा सकता है, बट स्टिल दीज आर द मेजर वंस एंड रिपोर्टेड वंस. सो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जो तबाही फैला रहा है वो वायरस फैला रहा है, वो वायरस की वजह से आती है. इस वायरस के लिए हमारे पास रजिस्टर्ड वर्जन है, रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर मौजूद है जिनको एंटीवायरसेस कहा जाता है. फ्री वर्जन्स भी हैं, लेकिन अगेन द फ्री वर्जन्स दे डोंट वर्क वेरी गुड, दे डोंट वर्क एज गुड एज द रजिस्टर्ड वर्जन्स. सो इट्स रिकमेंडेड, अगर आप देखें एक सिंपल सी बात है कि अगर आप अपना कंप्यूटर जो है वो यूज कर रहे हैं लेकिन आप उस पर इंटरनेट नहीं चला रहे, आप उस पर USB यूज नहीं कर रहे, आप उस पर CDs यूज नहीं कर रहे. बहुत से लोग हैं जो इस तरह से सिर्फ कंप्यूटर को एक एक डेटा रिकॉर्ड मशीन बना के रखते हैं, या कंप्यूटर को सिर्फ अपने आप कह ले रिकॉर्ड कीपिंग के कामों के लिए रख रहे हैं, कुछ ऑटोमेशन के कामों के लिए रख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या आप कह ले वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं. तो ऐसे कंप्यूटर्स में वायरस का थ्रेट नहीं है जिनमें एक्सटर्नल ड्राइव्स या एक्सटर्नल नेटवर्क्स जो है वो इंटरफेयर ना करें. जैसा कि आपको मैंने कहा जी, USB फ्लॉपी खैर अब रिवाज खत्म हो चुका है, अब इतने कॉमन नहीं है, कुछ बहुत रेयर आपको शायद फ्लॉपी देखने में मिलेगी. तो ये जो USB है या आपकी CD है, ये दो एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए,
और आपका एक्सटर्नल नेटवर्क हो गया इंटरनेट, अगर आप इन तीनों चीजों को कंप्यूटर से दूर रखें तो सारी जिंदगी कंप्यूटर में वायरस नहीं है. वायरस इज नॉट लाइक फंगस के जो आपके कंप्यूटर पे लग जाती है, वो नमी आई और आपके कंप्यूटर पे वायरस लग गया, ऐसी बात नहीं है. जब भी एक्सटर्नल नेटवर्क, बिकॉज यूएसबी जो है, व्हेन यूएसबी इज प्लग्ड इन इनटू माय कंप्यूटर एंड इट्स देन प्लग्ड इन टू अनदर कंप्यूटर, तो हो सकता है मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस हो और वो वहां से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया. एंड देर आर वायरसेस, देर आर टाइप ऑफ वायरसेस दैट कीप ऑन रेप्लिकेटिंग, ऑटोमेटिकली वो उसको रेप्लिकेट करते रहते हैं, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते रहते हैं. और वायरस में भी अगेन फिर टाइप्स हैं, ट्रोजन है, फिर उसके बाद वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, इस तरह बहुत सी टाइप्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंसेस के स्पेसिफिक कोर्सेज में शायद आपको पढ़ाई भी जाएंगी अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर साइंस का कोर्स है. अदरवाइज ये है कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट इफ यू वांट द इंफॉर्मेशन तो आप सिर्फ नेट पे किसी भी वेबसाइट पे जाके लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ, आई मीन अ ह्यूज लिस्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस कि किस किस किस्म के वायरसेस मौजूद है. तो ये जो कंप्यूटर वायरसेस हैं ये एक्सटर्नल नेटवर्क से, एक्सटर्नल ड्राइव से आपके पास आते हैं. जब आप इंटरनेट यूज कर रहे होंगे तो मे बी आपने कोई ऐसी वेबसाइट ओपन की कि आपको नहीं पता, लेकिन उस वेबसाइट के साथ, उस वेबसाइट के बैकएंड पे कोई ऐसा वायरस प्रोग्राम था जो कि आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया या आपके कंप्यूटर में एंटर हो गया. अब उस वायरस की वजह से आपके हो सकता है सॉफ्टवेयर या हो सकता है हार्डवेयर खराब होना शुरू हो जाए. और एंड में अगर आप आगे देखें तो वेबसाइट डिफेसमेंट है कि आपने किसी की वेबसाइट हैक कर ली है. हैक का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि वेबसाइट इज अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी या आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है. तो वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी अगर किसी ने आपकी खत्म कर दी है या आपकी उसको डिफेस कर दी है तो इट्स लॉस ऑफ योर ब्रांड आइडेंटिटी, इट्स लॉस ऑफ योर ब्रांड इमेज, जिससे आपके कस्टमर बेस अफेक्ट होगी. तो इस वेबसाइट डिफेसमेंट में बहुत ज्यादा कॉमन चीज ये है कि आप उसको रीडायरेक्ट कर देते किसी और वेबसाइट की तरफ, कि आपने उसको किया एक हैक करने के बाद उस पर एक ऐसी ऑप्शन लगा दी, उस पर एक ऐसा प्रोग्राम चला दिया कि वो ऑटोमेटिकली किसी और वेबसाइट की तरफ, किसी और वेब डोमेन की तरफ रीडायरेक्ट हो जाती है, किसी और की तरफ रीट्रैक हो जाती है. और अच्छी कंपनीज जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी का भी मेजर रखा हुआ है और ये वेबसाइट डिफेसमेंट से बचने के भी उन्होंने बहुत अच्छे मैकेनिज्म्स जो हैं वो फॉलो किए हुए हैं. इस टाइप्स ऑफ अटैक्स के बाद जी मैं एक ई कॉमर्स सिक्योरिटी में क्या क्या होना चाहिए उसको उसकी बात करूंगा आपके साथ. टू अचीव हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज हैं. न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज, न्यू टेक्नोलॉजीज आर टू बी यूज फॉर हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी. फिर उसके बाद है कुछ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की बात करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे हों कि आपको पता हो कि सिक्योर वर्ल्ड का मतलब क्या है. जैसे कि आप अक्सर बैंक्स में देखें तो बैंक्स में एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, उस स्पेसिफाइड एरिया में इवन सम ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज आर नॉट अलाउड. रीजन बीइंग कि वहां पर कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, वहां पे लॉकर एरिया हो सकता है, वहां पे कोई कैश के आपके एरिया हो सकते हैं और कुछ स्पेसिफाइड लोग हैं जो जाके सिर्फ उस लॉकर को खोल सकते हैं या उस कैश के उस तिजोरी को खोल सकते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में है कि हाउ यू मैनेज द सिक्योरिटी. अब ये मैनेजमेंट ऑफ द सिक्योरिटी जो है इट्स नॉट समथिंग कि जिसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव बात की जा सके कि जी ऐसे आप मैनेज कर लें. डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द पीपल हु आर वर्किंग इन द कंपनी, सिक्योरिटी को खुद से वो डिजाइन या मैनेज करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स खुद से बनाते हैं. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नमेंट लॉज, दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो है ही है लेकिन उसके साथ लॉ का होना बहुत जरूरी है. हम लोग जहां पर लैग करते हैं, शायद ये थोड़ी सी एक जनरल बात हो जाएगी लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात जरूर करूं. हो सकता है कोर्स से रेलेवेंट इतनी बात नहीं है लेकिन फिर भी
जो हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम लॉ बनाना हमें नहीं आता या हम लॉ बनाने में बहुत ज्यादा सुस्त हैं. दिस इज द रीजन वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट वी आर मेकिंग अमेंडमेंट्स एंड वी कैन नॉट मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में और अभी तक उसको उसी हालात में उसमें आप ये कह लें उसमें हम जोड़ लगा लगा के उसको पेश किए जा रहे हैं. What you can do is you can design some good laws, you can design some new laws according to the standards, according to the industry standards, according to the new technology. अब आपके पास वो दौर नहीं है जो 1973 में था. तो अब ये government laws अगर आप उनको देखें या industry standards इन दोनों को देखें तो हम फिर कोई अच्छी सिक्योरिटी अच्छी डिग्री ऑफ सिक्योरिटी जो है उसको हम अचीव कर सकते हैं. अब मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे तो यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात कर सकता हूँ लेकिन गवर्नमेंट लॉज में आई एम सॉरी जी मैं गवर्नमेंट लॉज ना होने की वजह से साइबर के लॉज ना होने की वजह से ई कॉमर्स के या ई बिजनेस के लॉज ना होने की वजह से इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा. देर आर सम अदर फैक्टर्स जो कि हमें देखने जरूरी होते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी जो है वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है. दे आर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि आपका जो फ्यूचर में क्या आज के जो पैसे की वर्थ है वो फ्यूचर में क्या होगी या कल जो पैसा आपके पास था उसकी क्या वर्थ होगी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से बात भी करनी है अभी हमने आगे. कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी वर्सेज पोटेंशियल लॉस, हमारी कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कितनी है और पोटेंशियल लॉस कितना है. अगर तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है इट्स लेस देन लॉस तो आप डेफिनेटली इस काम को जरूर करें. लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी की कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन लॉस है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सिक्योरिटी वो मेजर अडॉप्ट करने पे $5,000 लग रहे हैं और आपका जो लॉस है अगर आप वो सिक्योरिटी मेजर ना लें तो आपका लॉस होना है लेट्स से $2,000 का, तो इट्स यूजलेस टू स्पेंड दिस $5,000. यू कैन फाइंड आउट समथिंग चीप, यू कैन फाइंड आउट समथिंग नॉट इक्विवेलेंट टू और यू कैन से लेस देन $2,000. एक ही काम को करने के लिए एक से ज्यादा तरीके हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होते हैं. सिक्योरिटी ऑफन ब्रेक्स एट वीकेस्ट लिंक, सो इस वीकेस्ट लिंक को भी देखेंगे. ये वीकेस्ट लिंक कहाँ है, इस वीकेस्ट लिंक को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं. ये बात हुई जी गुड ई कॉमर्स सिक्योरिटी के हवाले से और ये हम अब इस फिगर से कोशिश करेंगे ये समझने की कि ई कॉमर्स एनवायरमेंट क्या है. दिस सेंट्रल पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर डेटा. अब यहां पर इस डेटा को इनकैप्सुलेट किया जाता है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के साथ. ये आपका पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है जी ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है. देन दिस ग्रे एरिया इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड द लास्ट वन इज लॉज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. ये जो लास्ट आपको ब्लू नजर आ रहा है सर्कल ये लॉ एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है. डेटा It can be anything for your company, for your communications, for your competitors, कुछ भी हो सकता है. इस डेटा को आप इनकैप्सुलेट करते हैं, इस डेटा के लिए आपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बनाए हुए हैं या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन ऑप्ट किए हुए हैं जिससे उस डेटा को सिक्योर किया जा सकता है. मैं आपको बहुत सादा सी अगर एक एग्जाम्पल दूं तो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है जिस एक्सेल की फाइल में लेट्स से आपके मैनेजर साहब है उनके एक्सपेंसेस लिखे हुए होते हैं या मैनेजर साहब अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं और उन एक्सपेंसेस को वो कंपनी से रीइंबर्स कराते हैं. तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऑल्दो आई एक्सेप्ट के देयर इज नो नीड बट आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन की अपनी सिक्योरिटी के लिए मैनेजर साहब ने उस पर पासवर्ड लगाया हुआ है. तो डेटा जो है उसके अंदर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि जो मैनेजर साहब स्टोर करते हैं मे बी ऑन डेली बेसिस ऑन वीकली बेसिस. लिखते हैं कि जी मैंने इतने पैसे जो हैं वो फ्यूल कंजम्पशन पे खर्च किए हैं, मैंने इतने पैसे जो हैं वो लेट से ऑफिस स्टेशनरी खरीदी है उस पर खर्च किए हैं, मैंने इतने पैसे जो हैं वो कुछ लेट से बुक्स लेके आए हैं उस पर खर्च किए हैं, इतने पैसे न्यूज़पेपर की पेमेंट्स किए हैं
अब वो सारा जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी है या एक्सपेंसेस की जितनी भी डिटेल्स है वो आपके पास डेटा है, ये जो है ये आपके पास ये डेटा है. फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इज दैट एमएस एक्सेल फाइल हैविंग एन ऑप्शन ऑफ पासवर्ड. एमएस एक्सेल में हो सकता है बहुत से लोगों को पासवर्ड लगाने का तरीका भी नहीं पता. आई एग्री कि जी हम लोग जो सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, हम लोग जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, हम लोग उसका बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही लिमिटेड सा पोर्शन यूज करते हैं, बहुत ही लिमिटेड सा यूजेज है हमारा. हम जो चीज हमें सिखाई जाती है या जो चीज हमें आती है, हम उससे एक स्टेप आगे जाना जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं. हम मजीद कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते. खैर, एमएस एक्सेल में पासवर्ड की जो ऑप्शन है, दिस इज योर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद बजाते खुद और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पासवर्ड लगाने की ऑप्शन जो है ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है. और ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इस तरह से है कि देखिए, आपके पास एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में एक ऑप्शन मौजूद है. आप उस डेटा को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि इवन अगर वो कंप्यूटर आपके अलावा दो लोग और भी यूज करते हैं तो आपकी उस फाइल पे जब भी वो डबल क्लिक करें, उसको ओपन करने के लिए ट्राई करें, तो एक स्क्रीन सामने आ जाए जहां पे वो कहे जी एंटर योर पासवर्ड, एंड बिकॉज दे आर नॉट मैनेजर साहब, सो मैनेजर साहब खुद बैठे होंगे तो उस फाइल को ओपन कर लेंगे, अदरवाइज बाकी लोग नहीं कर सकते. अनलेस के कोई वो थ्रेट या फ्रॉड या कोई इस किस्म का काम नहीं और किसी ने आपका पासवर्ड चोरी नहीं कर लिया, दैट इज अनदर स्टोरी. टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हो गया जी हमारा एमएस एक्सेल पावर पॉइंट सॉरी पासवर्ड ऑप्शन. और इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो है इसमें लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल के जी मैनेजर लेवल पे जितने भी लोग हैं वो अपना मंथली डेटा जब सबमिट कराएंगे तो उनकी फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स का वो पासवर्ड हमें कई कई जगह पे ये इसी किस्म का मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है कि जी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स मैनेजर साहब ने हमें भेजनी है, लेकिन जिस ईमेल में आप वो फाइल मुझे भेज रहे हैं आप उस ईमेल में पासवर्ड नहीं भेजेंगे बल्कि पासवर्ड आप मुझे एसएमएस करेंगे. जो लेट्स से रीइंबर्समेंट सेक्शन है, वो रीइंबर्समेंट सेक्शन कहता है कि पासवर्ड आप मुझे मोबाइल एसएमएस भेजेंगे और उसमें मुझे बताएंगे कि जी मेरी फाइल का पासवर्ड ये है. दिस इज अगेन अ मेजर, दिस इज अगेन अ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर जिससे ये इंश्योर किया जा रहा है कि जी कोई पासवर्ड हैक ना कर ले, कहीं पे कोई उस ईमेल को ट्रैक ना कर ले. ईमेल में फाइल मिल गई, फाइल इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एसएमएस, मोबाइल एसएमएस, तो वो डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे आ रही है. देयर आर टू डिफरेंट नेटवर्क्स दैट आर यूज्ड फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज फॉर द रीइंबर्समेंट इशू. इसी तरह का एक मेथड जो है, इसी तरह का मैं आपको जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका जिसका कैंपस आप कह लें या जिसका आप स्टडी सेंटर कह लें, कि जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, और उन्होंने यही सिस्टम अपने एग्जामिनेशन के लिए रखा हुआ है कि जितने भी उनके पास फैकल्टी है, जितने भी उनके पास टीचर्स हैं, वो क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर पासवर्ड लगाकर उसको ईमेल करते हैं इंचार्ज जो भी है उनके एग्जामिनेशन के, इंचार्ज कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन को, और उसके साथ ही उन्हें या तो पासवर्ड जाके एक अलहदा से एक एनवेलप में, सील्ड एनवेलप में उन्हें दे के आते हैं, या उन्हें एसएमएस किया जाता है. एसएमएस इन सम केसेस इज ऑल्सो अलाउड. सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स. अब इस लेयर के बाहर जो है ये लेयर हमारी लॉ एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की है, और ये लॉ और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जनरली दिस इन दिस एग्जाम्पल देर इज नो सच डायरेक्ट लिंक विद इट, बट लॉ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अलाउ यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स. अब ये अलाउ पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स का मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को अपने नेटवर्क पे भेजने की और उसका पासवर्ड जो है वो एसएमएस करने में. दिस इज ऑल टुगेदर सिक्योरिटी एनवायरमेंट, ई कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरमेंट. और मैं ये ई कॉमर्स का वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं जी, डेलिबरेटली यूज कर रहा हूं,
डोंट वरी, वी आर इन द सेम कोर्स MGT 485 ई बिजनेस एंड इन द स्टार्ट इन इन माय फर्स्ट लेक्चर आई रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स. सो इवन इफ आई एम यूजिंग द वर्ड ई कॉमर्स, इट इज कॉमन एंड ई बिजनेस, आई मीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स इज कॉमन, इट्स इंटरचेंजेबल. सो डोंट वरी अबाउट इट. ये टेबल एक किताब से मैंने लिया है जी. देयर इज नो नीड टू गेट इन टू द डिटेल कि कौन सी किताब से मैंने लिया है. मकसद जो है उसका वो सिर्फ ये बताना है कि कस्टमर एंड मर्चेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी. ये इस साइड पे मर्चेंट के पर्सपेक्टिव है जो हमारे पास सेलर है, और ये इस साइड पे हमारे पास जो है वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव है. और ये कुछ डायमेंशन देखें इंटेग्रिटी के बारे में क्या कहते हैं जी. फॉर एग्जांपल कस्टमर है वो कह रहे हैज इंफॉर्मेशन आई ट्रांसमिट और रिसीव बीन अल्टर्ड. क्या जो इंफॉर्मेशन मैं भेज रहा हूं, क्या जो इंफॉर्मेशन मेरे पास से जा रही है वो कोई चेंज भी कर लेता है, कोई उसमें कोई चेंजेस भी हो जाती है. मर्चेंट कहता है जी हैज डेटा ऑन द साइट बीन अल्टर्ड विदाउट ऑथराइजेशन, इज डेटा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स वैलिड. ये कंसर्न्स हैं मर्चेंट के कि जो डेटा वेबसाइट पे है क्या वो बगैर ऑथराइजेशन के एडिट कर लिया जाता है, एडिट हो सकता है. और दूसरी बात उसने एक कंसर्न जो शो किया वो ये है कि क्या कस्टमर्स के पास से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कस्टमर के पास से जो डेटा आ रहा है वो वैलिड है, वो ठीक है, वो करेक्ट है. नॉन रिप्यूटेशन का रिप्यूटेशन का यहां पर जिक्र किया गया है जी. और उसमें कस्टमर पर्सपेक्टिव है कि कैन अ पार्टी टू एन एक्शन विद मी लेटर डिनाई टेकिंग द एक्शन. सो इट्स लाइक नॉट कॉल कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फ्रॉड बट कैन बी कॉल्ड एज कि आप रिप्यूटिएट नहीं कर रहे. रिप्यूटिएट का मतलब ये होता है कि आपने एक कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सके. मर्चेंट के या आपके सेलर के जो कंसर्न्स होते हैं वो ये होते हैं कि जी कैन अ कस्टमर डिनाई ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स. ऐसा हो सकता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के बाद वो कहे जी मैं मुझे नहीं चाहिए. ऑथेंटिसिटी, हु एम आई डीलिंग विद, किसके साथ मैं बात करूं, कौन है मेरे सामने, ये वेबसाइट क्या है या वेबसाइट का बैकएंड में कौन है. हाउ कैन आई बी अश्योर्ड दैट द पर्सन और एंटिटी इज हु दे क्लेम टू बी. ये मुझे श्योरिटी कैसे मिलेगी, एक कस्टमर के जहन में ये क्वेश्चन होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, या जब वो ट्रस्ट फैक्टर की बात करें, हम प्राइवेसी की बात करें, तो ऑथेंटिसिटी के हवाले से कस्टमर ये सोचता है कि मैं किसके साथ बात करूं और मुझे कैसे ये यकीन दिलाया जाए, ये कैसे मुझे यकीन आएगा कि जो क्लेम किया जा रहा है ये वही बंदा है या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है. व्हाट इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर. मर्चेंट भी ये जानना चाहता है या सेलर भी ये जानना चाहता है कि ये कस्टमर की असल आइडेंटिटी क्या है. क्या ये कोई फेक अकाउंट है, क्या ये असल में लेट्स से अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाइंग कर रहा है तो क्या ये बंदा वाकई पाकिस्तान से बाइंग कर रहा है, ये कोई फेक एड्रेस यूज करके, फेक नाम यूज करके और बाइंग कर रहे हैं. देन टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी, कैन समवन अदर देन द इंटेंडेड रेसिपिएंट रीड माय मैसेजेस. क्या मेरा इंटेंडेड पार्टिसिपेंट जो है उसके अलावा कोई और भी मेरा मैसेज पढ़ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि रास्ते में उस मैसेज को किसी और ने एक्सेस किया, उसको पढ़ लिया लेकिन दोबारा मेरे सेंडर तक भी पहुंच गया वो मैसेज. अगर दरमियान में किसी ने पढ़ लिया तो हो सकता है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि जो कॉन्फिडेंशियल हो, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि मैं नहीं चाहता कि कोई और पढ़े, एल्स देन माय रिस्पोंडेंट माय रेसिपिएंट. मर्चेंट जो है उसके जहन में कंसर्न्स ऐसे होते हैं जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से कि आर मैसेजेस और कॉन्फिडेंशियल डेटा एक्सेसिबल टू एनीवन अदर देन दोज ऑथराइज्ड टू व्यू देम. इसी तरह से जो मर्चेंट है या जो सेलर है वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन बायर को भेज रहा होता है. अब बायर के अलावा भी कोई उसको ऑथराइज है उसको व्यू करने का, उसको देखने का, उसको पढ़ने का. दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसर्न प्राइवेसी के हवाले से. एक कस्टमर पर्सपेक्टिव में बात है कि जी कैन आई कंट्रोल द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ ट्रांसमिटेड टू एन ई कॉमर्स मर्चेंट.
मैं अपनी इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशन कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, ये प्राइवेसी का कंसर्न है, या मैं अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दूं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन ना भेजूं, मैं एक सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता हूं वो इंफॉर्मेशन सिर्फ भेजूं। प्राइवेसी के हवाले से ही मर्चेंट का कंसर्न यहां पर लिखा गया है कि जी व्हाट यूज इफ एनी कैन बी मेड ऑफ पर्सनल डेटा कलेक्टेड एज पार्ट ऑफ एनी कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स बींग यूज इन एन अनऑथराइज मैनर। जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, कि आपकी डिटेल्स आई, आपका एड्रेस आया, आपका ईमेल एड्रेस आया, आपका फोन नंबर आया, नाम आ गया, नेशनैलिटी आ गई, ऑल ऑफ दीज डिटेल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द कंपनी जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं। कोई ऐसा तरीका है कि इस पर्सनल डेटा को कहीं यूज किया जा सके, कहीं इस्तेमाल किया जा सके, और क्या ये इस्तेमाल करना जो है ये ऑथराइज्ड है अनऑथराइज्ड है, इस पर्सनल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं ठीक, ये कंसर्न है जी प्राइवेसी का फ्रॉम मर्चेंट्स पर्सपेक्टिव। अवेलेबिलिटी जो कि लास्ट पर्सपेक्टिव है, लास्ट डायमेंशन है कस्टमर पर्सपेक्टिव की, उसमें है जी कैन आई गेट एक्सेस टू द साइट, क्या मैं वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, क्या मैं वेबसाइट तक पहुंच सकता हूँ, क्या मैं वेबसाइट को खोल सकता हूँ, ओपन करके देख सकता हूँ। मर्चेंट पर्सपेक्टिव है इज द साइट ऑपरेशनल, वो जब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो उसको ये इंश्योर करना है कि जी मेरी साइट अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है, तो अगर ऑपरेशनल है साइट तो फिर काम चलेगा, अगर ऑपरेशनल नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। कस्टमर एंड मर्चेंट पर्सपेक्टिव ऑन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी हमने देखा जी। इसके बाद जी द टेंशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड अदर वैल्यूज, जिसमें सिक्योरिटी वर्सेस ईज ऑफ यूज की हम बात करते हैं। जैसे ही हम सिक्योरिटी बढ़ाते हैं, जैसे हम सिक्योरिटी मेजर्स को ऐड करते जाते हैं, तो हमारा डेटा, हमारी वेबसाइट, हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको एक्सेस करना मुश्किल होता जाता है, उसको एक्सेस करना शायद ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता जाता है। द मोर सिक्योरिटी मेजर्स एडेड द मोर डिफिकल्ट साइट इज टू यूज एंड स्लोअर इट बिकम्स। हाँ जी, अब जब ये स्लो हो जाएगी तो फिर ईज ऑफ यूज खत्म हो जाएगा आपका, हर स्टेप के ऊपर आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा कि जी आप ये एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, इस एक्शन को आपकी आपको इजाजत है, इस एक्शन की आपको इजाजत नहीं है। अब उतने ज्यादा प्रॉम्प्ट करने की वजह से वर्किंग बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ईज ऑफ यूज नहीं रहेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, दिस इज अ टेंशन बिटवीन लाइक सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ यूज, के जी अब सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं जी, ईज ऑफ यूज खत्म हो जाएगा, ईज ऑफ यूज कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग जिसमें हम कह सकते हैं देर इज अ टेंशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड दैट अदर थिंग इज डिजायर ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्ट एनोनिमसली, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय क्रिमिनल्स टू प्लान क्राइम्स और थ्रेटन नेशन स्टेट्स। ये एनोनिमसली अगर आप इंडिविजुअल्स को इजाजत दे दें तो क्रिमिनल्स के लिए, क्राइम करने वालों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो नेशन वाइड, वो स्टेट वाइड जो है वो क्राइम्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। इसलिए ये एनोनिमस किस्म के जो यूजर्स होते हैं, एनोनिमस किस्म के जो अकाउंट्स होते हैं, यूजली वो अकाउंट्स अलाउ नहीं किए जाते अच्छी बड़ी वेबसाइट्स पर। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि शायद कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, बट जहां पर आपके पास इन्फॉर्मेशन की आप कह लें नेचर जो है वो सिक्योर होगी या नेचर जो है वो बहुत सीरियस होगी, वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि एनोनिमस यूजर्स मेरे पास या एनोनिमस इंडिविजुअल्स मेरे पास ना हो। अब सिक्योरिटी बढ़ गई जब, तो ये एनोनिमस यूजर्स खत्म हो जाएंगे, एनोनिमस कंज्यूमर्स खत्म हो जाएंगे, हमारे कस्टमर बेस पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन ऑन द अदर साइड क्राइम्स कंट्रोल करने में जो आपकी सिक्योरिटी है उसको टाइट करने की वजह से ये फायदा होगा कि आपके क्वालिटी कंज्यूमर्स सिर्फ रहेंगे, बाकी जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि एनोनिमस रह के और सिर्फ शायद
इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या ट्रांजैक्शंस नहीं करते या आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाते, सिर्फ और सिर्फ एक अननेसेसरी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर क्रिएट करते हैं, तो उस सूरत में इट्स बेटर नॉट टू कीप देम विद यू. सो टू हैव अ हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको ये एनोनिमस यूजर्स की कुर्बानी देनी पड़ती है. मजीद आगे देखते हैं जी, सिक्योरिटी थ्रेट्स की हमने बात की थी. सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम ई कॉमर्स एनवायरमेंट में जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो वल्नरेबल पॉइंट्स जो हैं सिक्योरिटी के इन दिस ई कॉमर्स एनवायरमेंट वो हैं जी तीन. एक पहला हमारे पास आ गया जी क्लाइंट, ऐसा कंप्यूटर जो कि मेरा मेन कंप्यूटर है जिस पे से मैंने तमाम नेटवर्क को एक्सेस करना है. फिर इसके बाद सेकेंड मेरी जो वल्नरेबल पॉइंट है दैट इज सर्वर. अब ये सर्वर जो है ये इस तरह से है कि मैं अगर इस जगह पर मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, यहां पर लेट्स से दो और यूजर्स हैं जिनका कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो देयर मस्ट बी अ कंट्रोलिंग कंप्यूटर, देयर मस्ट बी अ कंट्रोलिंग बॉडी जिसको यहां पर एक सर्वर का नाम दिया जाता है. ये भी एक कंप्यूटर ही है और ये कंप्यूटर कनेक्ट होता है ISP के साथ. तो समटाइम्स यू आर हैविंग ओनली वन कंप्यूटर इन योर होम, सो डोंट थिंक कि आप इस एक कंप्यूटर की वजह से एक नेटवर्क का हिस्सा नहीं है. ये कंप्यूटर जो है आपका, ये कंप्यूटर ISP से कनेक्टेड है, तो आप इस ISP के नेटवर्क का हिस्सा हैं. मे बी यहां ISP में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में एक कंप्यूटर पड़ा हो जो कि आपके लिए सर्वर का काम कर रहा हो. अब ये सर्वर है, ये जो है ये क्लाइंट वन है, ये क्लाइंट टू है, ये क्लाइंट थ्री है, और ये मेरा कंप्यूटर जो था जी ये लेट्स से क्लाइंट फोर है. अब क्लाइंट, सर्वर और तीसरी चीज है कम्युनिकेशन पाइपलाइन, यानी कि ये रास्ता जो है, ये रास्ता आपके लिए कम्युनिकेशन पाइपलाइन जो है ये आपके लिए वल्नरेबल पॉइंट है. रीजन बीइंग के ये रास्ता जो है ये आपका पब्लिक पाथवे है, यहां से तमाम लोगों के मैसेजेस, तमाम कंप्यूटर्स जो है वो अपने मैसेजेस ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, तो दैट इज वाई ये कम्युनिकेशन पाइपलाइन जो है ये भी आपके लिए एक वल्नरेबल पॉइंट है, एक सिक्योरिटी थ्रेट के लिए वल्नरेबल एक जगह है जहां पे वो अटैक कर सकते हैं. मजीद आगे देखे तो एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की हमने पॉइंट देखे कि फिगर जो है वो एक किताब से ली है जी, और इस किताब का जो राइटर है वो है बॉन्सेला, 2000 पब्लिकेशन ईयर है इसका. इस ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को देखने के बाद हम वो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उन वल्नरेबल पॉइंट्स की भी बात करेंगे. अब ये एक ऑनलाइन सीडी स्टोर है, ऑनलाइन सीडीज खरीदने की जगह है, ये ऑनलाइन सीडी स्टोर है जी. इस ऑनलाइन सीडी स्टोर से यहां पर एक यूजर है केटी, जिसने एक सीडी के लिए या एक और कोई भी एक ऑर्डर खरीदा, उसमें एक सीडी है या कुछ सीडीज हैं जो कि खरीदनी है. केटी सेंड्स ऑर्डर फॉर्म, ये ऑर्डर फॉर्म ISP के थ्रू वेब सर्वर तक पहुंचेगा. ये वेब सर्वर जो है ये इस ISP के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहा है, और ये इंफॉर्मेशन आ रही है इस ऑर्डर फॉर्म से जो कि केटी ने किसी वेबसाइट पर देखी थी, और ये वेबसाइट थी यहां पर ये ऑनलाइन CD स्टोर, कि जो CD स्टोर से उसने एक CD या दो CD या कोई एक लिस्ट ऑफ सीडीज जो है वो उसने पसंद की और उसने उसको ऑर्डर कर दिया. अब ये ISP जो है ये वेब सर्वर के पास पहुंचा. वेब सर्वर के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी तरह से पेमेंट के बारे में बात कर सके, इसलिए वेब सर्वर ये राबता करता है या कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनेट पेमेंट नेटवर्क के साथ. अब ये वेब सर्वर इंटरनेट नेटवर्क पेमेंट के पास गया और इसने देखा कि यहां पर एक सीडी स्टोर का बैंक है, जो हमारे पास सीडी स्टोर जो शॉप है एक उसका बैंक है, और एक केटी का बैंक है कि जिसके साथ कनेक्ट करना है इसको. तो इस इंटरनेट पेमेंट की जो इंफॉर्मेशन वेब सर्वर के पास मौजूद थी, ये इंटरनेट पेमेंट नेटवर्क उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा केटी के बैंक अकाउंट में, यहां से पैसे जो है उनको ट्रांसफर किया जाएगा सीडी स्टोर के मर्चेंट बैंक में.
इसके लिए अगेन बहुत से मेथड्स यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया था बहुत ही मशहूर जो है वो पेपाल है, तो हो सकता है पेपाल से पेमेंट हो रही हो सकता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही हो सकता है किसी और तरीके से पेमेंट हो रही है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि पेमेंट हो गई, केटी के बैंक ने सीडी स्टोर के या मर्चेंट के बैंक को पेमेंट कर दी। अब जब ये पेमेंट हो गई तो इस ऑनलाइन स्टोर के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जी द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन द ऑनलाइन मर्चेंट्स बैंक। अब ये क्या करेगा, यहां से एक ऑर्डर प्रिंट करेगा सीडी वेयर हाउस के लिए, ये ऑनलाइन सीडी स्टोर इंफॉर्मेशन वेब सर्वर से ले लेता है और इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये इंफॉर्मेशन यहां से प्रिंट करके वेयर हाउस में भेज देता है, ये सीडी वेयर हाउस में वो इंफॉर्मेशन चली गई। इस सीडी वेयर हाउस के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जो एक ऑर्डर आया था केटी का कि वो ऑर्डर प्रिंट किया, अब इस वेयर हाउस ने वो सीडी निकाली, उस सीडी को रैप किया, पैक किया, वट एवर द मैकेनिज्म इज, उसको थ्रू कुरियर, थ्रू एनी अदर मेथड, थ्रू पोस्ट उसको केटी को भेज दिया। इट मीन्स सीडी अराइव्स 2 to 3 days आफ्टर द ऑर्डर इज रिसीव्ड, एंड इन दिस होल प्रोसेस बैंक भी इन्वॉल्व थे, दो वेब सर्वर इन्वॉल्व था, ISP इन्वॉल्व था, ये सीडी स्टोर इन्वॉल्व था, यहाँ पे वेयर हाउस के लोग इन्वॉल्व थे, यहाँ पे कोरियर या पोस्ट के लोग इन्वॉल्व थे और यूजर इन्वॉल्व था। ये सारे वो लोग हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं जहां से हो के, जहां से गुजर के ये एक टिपिकल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पूरी हुई है। इस बहुत ही सिंपल सी इस ट्रांजेक्शन में अगर आप कुछ नहीं समझ सके तो काइंडली थोड़ी सी तकलीफ कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और वहां से जहां से मैंने इस स्लाइड को एक्सप्लेन करना शुरू किया था वो काम करें ताकि आप इस प्रोसेस को समझ सके। आगे हमने मजीद बातें करनी है ई बिजनेस में इस तरह की चीजों की, तो सब आई विश कि ये चीजें आपको क्लियर हो। यही एक फायदा है इस ऑनलाइन सेशन में या रिकॉर्डेड वीडियोज में और एक लाइव सेशन में, कि लाइव सेशन में वो रिवाइंड का बटन नहीं होता है। लाइव सेशन में आपको या तो सवाल दोबारा पूछना पड़ता है और कई मोहतरम हैं जो कि शायद एक्सप्लेन दोबारा करना मुनासिब नहीं समझते और बच्चों को झाड़ पड़ जाती है, तो अब इस ऑप्शन में या इस रिकॉर्डेड वीडियो की सूरत में एक अच्छी ऑप्शन है, इसको रिवाइंड करो और दोबारा देख लो। टिपिकल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की हमने बात कर ली, वल्नरेबल पॉइंट्स की मैंने आपको कहा था, इसके बाद हम बात करेंगे, ये देखें जी ये सिक्योरिटी रिस्क्स हैं और यहां पर हमने हर एक पॉइंट को अब डिस्कस करना है। नंबर ए इज केटी और ये है टेपिंग लाइन। अब ये जो टेपिंग लाइन है ये केटी के, ये पहला वल्नरेबल पॉइंट है और ये पहला वल्नरेबल पॉइंट जो है ये क्लाइंट के घर में या क्लाइंट के बिजनेस एड्रेस पे हो सकता है, बिजनेस लोकेशन पे हो सकता है। इसके बाद आता है जी हमारे पास ISP और ये स्निफर एट ISP जो है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। स्निफर एट ISP जो है इसकी मैं बात करूंगा, इस पे मैं आगे स्निफरिंग क्या होता है इस पे हमने डिटेल से बात करनी है। तो ये ISP पे DOS अटैक हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, मेलिसियस कोड अटैक हो सकता है, थेफ्ट एंड फ्रॉड हो सकता है, लाइन टैप्स हो सकते हैं, वेंडलिज्म हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में मैं बात करूंगा जी कि ये DOS लाइक दिस, DOS इज डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये सेकंड वल्नरेबल पॉइंट है जहां पर ई कॉमर्स एनवायरमेंट में सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे पास। थर्ड इज ब्रेकिंग इनटू स्टोर डेटाबेस, कि जो हमारे पास स्टोर का डेटाबेस था ऑनलाइन सीडी स्टोर ये है, उस स्टोर डेटाबेस के अंदर कोई टेपिंग या स्निफिंग या अल्टरनेशन ऑफ मैसेजेस, थेफ्ट एंड फ्रॉड हो रहा है। फॉर एग्जांपल केटी ने ऑर्डर प्लेस किया जी सीडी लेट से XYZ के लिए और बिकॉज ऑफ दैट अल्टरनेशन ऑफ मैसेजेस जो सीडी उसको शिप हुई वो है जी सीडी YZA की। अब उस अल्टरनेशन की वजह से, अल्टरनेशन ऑफ मैसेज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। थेफ्ट एंड फ्रॉड के भी केसेस इधर यहां पर ऑनलाइन सीडी में, ऑनलाइन सीडी स्टोर में देखे जा सकते हैं, डेटाबेस को ब्रेक करने की सूरत में ऐसा हो सकता है। सी के बाद हमारे पास डी ऑप्शन है जी टैप ऑन द वेब सर्वर, कि किसी ने आपके वेब सर्वर को टैप किया हुआ है या वेब सर्वर को वो
ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से वो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये टैपिंग वेब सर्वर में आपके ISP या मर्चेंट या बैंक, ये इन सब के वेब सर्वर्स को एहतियात बरतनी पड़ती है। आपके ISP का वेब सर्वर होगा उसको भी देखना है, आपके मर्चेंट का वेब सर्वर होगा और आपके बैंक्स का वेब सर्वर होगा, इन सब के सर्वर्स पे टैप किया जा सकता है, टैपिंग की ऑप्शन आ सकती है। देन देयर इज यू कैन से के इस सारे लेवल पे, इस सारे सिक्योरिटी इश्यूज में कुछ अगेन मैलिशियस कोड अटैक्स भी हो सकते हैं, कुछ लाइन टैप्स भी आ सकते हैं, कुछ फिजिकल लॉस ऑफ कंप्यूटर भी हो सकते हैं। अब इन सब पॉइंट्स पे पिछली फिगर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो मैंने आपको बता दिया कि वल्नरेबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इन सब पॉइंट्स पे हमें सिक्योरिटी को बेहतर करना है या सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं हमारे उनको बेहतर बनाना है। हम आगे जब चलेंगे, जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो अभी हमारे इस लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, तो बहुत कम टाइम रह गया, अगले लेक्चर में जाके हम जब सॉल्यूशंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ज्यादा इस वल्नरेबिलिटी पॉइंट्स को, वल्नरेबल पॉइंट्स ऑफ सिक्योरिटी को समझना। मोस्ट कॉमन थ्रेट्स क्या है आपके ई कॉमर्स एनवायरमेंट में? मैलिशियस कोड, दिस मैलिशियस वर्ड इज इनफैक्ट अनवांटेड, आप इसको कह सकते हैं, आप इसको अनडिजायर्ड कह सकते हैं, आप इसको वायरल कोड कह सकते हैं, या आप इसको अब्यूजिव कोड भी कह सकते हैं, बहुत से नाम है, जिस मर्जी नाम से आप इसको को बुला रहे, लेकिन मैलिशियस कोड इज अ वर्ड दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज। इसमें वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, बोट्स और बोटनेट्स हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, बोट्स, बोटनेट्स, ये ऑल ऑफ दीज आर टाइप ऑफ मैलिशियस कोड्स, टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। जब मैं ये वर्ड मैलिशियस कोड यूज कर रहा हूं तो इट्स अगेन ऑल ऑफ दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही हैं, लेकिन दे आर रिटन फॉर अ नेगेटिव पर्पस। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स पॉजिटिव काम के लिए नहीं लिखे गए, इसीलिए इनको मैलिशियस कोड का नाम दिया गया। देयर आर सम अनवांटेड प्रोग्राम्स लाइक द ब्राउजर पैरासाइट्स, द एडवेयर्स, द स्पाईवेयर्स। अब ये वो चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट को स्लोअर कर देती हैं, आपकी फंक्शनैलिटी को कम कर देती है, आपकी फंक्शनैलिटी जो है उसको डाउन कर देती है। ये अनवांटेड प्रोग्राम्स इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये अगर आपके ब्राउजर के साथ, ये फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर पैरासाइट है, तो ये ऐसा ही है कि आपके ब्राउजर के साथ एक ऐसा प्रोग्राम अटैच कर दिया जाता है, एक ऐसा प्रोग्राम आपको उसके साथ चिपका दिया जाता है कि आपका ब्राउजर जो है वो वर्किंग बहुत उसकी स्लो हो जाती है, वो ब्राउजर रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो ब्राउजर जो है वो आपको बेहतर जवाब नहीं देता। अनवांटेड प्रोग्राम्स के बाद फिशिंग है जी। दिस फिशिंग इज ऑल्सो getting popularity, deceptive online attempt to obtain confidential information। ये ऐसी कोशिश होती है कि confidential information जो है वो आपसे ले ली जाए, और ये deception के थ्रू होता है। social engineering, email scams, spoofing legitimate websites, ये बहुत से तरीके हैं। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि जी email scam, आपके पास कोई किसी ने ईमेल की जी आप कोई 1 billion pounds जो है वो जीत गए, और आप अपना अकाउंट डिटेल्स दें हमें, अपने बैंक का नंबर दें और ये सारी चीजें दें। अब उस सूरत में आई रिक्वेस्ट यू कि इस किस्म के काम हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, लोगों के साथ ईमेल्स आ रही हैं, और मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता, लेकिन सुनने में आया कि कई लोग लुट भी जाते हैं इस तरह के केसेस में। तो प्लीज डोंट बिलीव ऑन दीज ईमेल स्कैम्स, डोंट बिलीव ऑन दीज ईमेल्स, ये फ्रॉड होता है। और अगर आप किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है, और आपको पता एकदम से पता चलता है रातों रात आपको ईमेल आती है कि जी $1 billion या $1 billion के आप मालिक बन गए, तो इट्स बीइंग मुस्लिम्स हमें इस चीज का यकीन होना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई आपको एक लट से प्रपोजल भेजे शादी की, और साथ ही कहे जी अगर आप मेरे से शादी कर लेंगे या आप हम ही भर लेंगे शादी की, तो मैं इतने पैसे आपको दे दूंगी या इतने पैसे आपको ट्रांसफर कर दूंगा या दूंगी,
और आप उसके लिए ये करें कि अपना मुझे अकाउंट डिटेल्स भेजें, इट्स इम्पॉसिबल. या ईमेल स्कैम्स में अक्सर ये लिखा होता है कि जी मैं एक बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूँ और मैं इतना पैसा अपने मुल्क से निकाल के आपके मुल्क में लाना चाह रहा हूँ, तो आपको सिर्फ इस पैसे ट्रांसफर करने के मैं 20% दूंगा या 30% दूंगा. इट्स यूजलेस. डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट योर वेस्ट योर एफर्ट्स, स्पेशली योर मनी एंड टाइम, के आप इस तरह की चीजें जो है उन पे गौर करें. यूज इंफॉर्मेशन टू कमिट फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, एक्सेस चेकिंग अकाउंट, स्टील आइडेंटिटी, मेनी अदर केसेस आर देयर. हैकिंग एंड साइबर वैंडलिज्म, ये दो इश्यूज और भी हैं जी हमारे पास, हैकर्स वर्सेस साइबर वैंडलिज्म. हैकर्स तो वो हैं कि जो आपकी आपकी वेबसाइट को हैक कर देते हैं, आपकी वेबसाइट को बंद कर देते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को जैम कर देते हैं. आप ये कह लें कि दे कैन नॉट, इट कैन नॉट बी फर्दर ऑपरेटेड और वर्क. बट साइबर वैंडलिज्म ये है कि इंटेंशनली डिसरप्टिंग या डीफेसिंग या डिस्ट्रॉइंग वेबसाइट. आप वहां पर ऐसा होता है कि अक्सर उस पर रीडायरेक्ट उसको कर दिया जाता है किसी ऐसी अनवांटेड वेबसाइट के कि जो आपके नेचर ऑफ वर्क से बिल्कुल डिफरेंट है. लेट्स से आप कहते हैं कि जी मेरी ऑटोमोबाइल्स की जो मेरी वेबसाइट है या ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की वेबसाइट है, और अब उस स्पेयर पार्ट्स की वेबसाइट को अगर मैं साइबर वैंडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू मैं अगर इसको डिसरप्ट करता हूं, तो मैं यहां पे इसको रीडायरेक्ट कर देता हूं टुवर्ड्स लेट्स से वेबसाइट रिगार्डिंग वुमेन क्लोदिंग. तो इट्स नो यूज. अब कहां वुमेन क्लोदिंग और कहां पे ऑटोमोबाइल्स, तो ये साइबर वैंडलिज्म है. अगेन टाइप ऑफ हैकर्स हैं, हैकर्स में फिर आपके पास वाइट हैट्स हैं, ब्लैक हैट्स हैं, ग्रे हैट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के काम जो हैकर्स कर रहे हैं उनकी बेसिस पे उनको इनको ये नाम दिए गए हैं. अगर तो इंटरेस्टेड हैं आप, आपको इस बारे में कुछ जानने का शौक है, तो प्लीज ये इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स. ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द कोर्स मैं इस इन डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या थेफ्ट, दिस इज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी थ्रेट जो कि है, जैसे कि फियर ऑफ स्टोलन कार्ड इन्फॉर्मेशन एंड ऑनलाइन परचेजेस उस क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन से हो जाती हैं. हैकर्स टारगेट मर्चेंट सर्वर्स और उन मर्चेंट सर्वर्स से वो डेटा निकाल लेते हैं क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का डेटा निकाल लेते हैं विद अ फॉल्स आइडेंटिटी, अपने आप को एक गलत आइडेंटिटी बता के वहां से वो डेटा ले लेते हैं. ऑनलाइन कंपनीज जो हैं दे आर जनरली एट हायर रिस्क देन ऑफलाइन, बिकॉज ऑनलाइन कंपनीज का डेटा जो है उसको हैक करने के लिए पूरी दुनिया के प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया के प्रोग्रामर्स, किसी भी वक्त आपका डेटा चोरी हो सकता है. वाइल ऑफलाइन में भी थ्रेट है, ऑफलाइन में भी चोरी का खतरा जरूर है, लेकिन ऑनलाइन के निस्बत ऑफलाइन में देर आर मच लोअर चांसेस ऑफ थ्रेट ऑफ फ्रॉड. स्पूफिंग एक कॉन्सेप्ट है कि जी मिसरिप्रेजेंटिंग सेल्फ बाय यूजिंग फेक ईमेल एड्रेस. आप ईमेल एड्रेस कोई फेक बना लेते हैं और आप अपने आप को मिसरिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. आप अपने आप की अपना गलत नाम, अपना फर्जी नाम या अपना फर्जी ईमेल एड्रेस बना के उससे कोई काम कर रहे हैं, दैट इज स्पूफिंग. देन इज देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग, दैट इज स्पूफिंग अ वेबसाइट. और ये स्पूफिंग अ वेबसाइट में वही जो मैंने आपको बताया कि जी इट्स लाइक अ फार्मिंग में, सॉरी नॉट स्पूफिंग में, फार्मिंग में ये फेक वेबसाइट या लिंक टू अ न्यू वेबसाइट दे देते हैं और कहते हैं कि जी ये असल वेबसाइट है या इस वेबसाइट को आप रेफर करें. That is also wrong. That is also a security threat. फिर इसके बाद स्पैम या जंक ईमेल्स आपको या वेबसाइट्स जो हैं वो आपको रिकमेंड होना शुरू हो जाती हैं. आपके पास कई दफ़ा ऑटो कुछ मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं. कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने कंप्यूटर ऑन किया, काम कर रहे हैं, ब्राउजर पे आपने कुछ विंडोज खोली हैं, कुछ आपने वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं और ऑटोमेटिकली खुद से पॉपअप
मैसेजेस आते हैं और खुद से पॉप अप विंडोज ओपन हो जाती हैं, आपको मुख्तलिफ मैसेजेस दे रही होती हैं, तो दैट इज इनफैक्ट जंक वेबसाइट्स। मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स की हम बात कर रहे हैं जी, DOS अटैक जो है ये नेक्स्ट हमारा है टॉपिक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। हैकर्स फ्लड साइट विद यूजलेस ट्रैफिक टू ओवरवेल्म द नेटवर्क। समटाइम्स इट हैपेंस के जी आपकी अननेसेसरी ट्रैफिक जो है वो आपके वेबसाइट पे डाल देते हैं हैकर्स, और उसकी वजह से जो एक्चुअल यूजर होता है या जो नीडेड यूजर होता है उसके पास ये एक डिनायल ऑफ सर्विस का मैसेज चला जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस का मैसेज यूजली जो है वो पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड या HTTP/404 नॉट फाउंड, इस तरह के भी अक्सर मैसेजेस आपको आ रहे होते हैं। तो इस किस्म के मैसेजेस दे आर इंक्लूडेड इन दिस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देन देर इज अ DDoS अटैक। दिस DDoS अटैक इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और इसमें और डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में फर्क सिर्फ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस अटैक में, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में हैकर्स जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज करते हैं टारगेट नेटवर्क के लिए, वो मुख्तलिफ जगह से अटैक करते हैं उस कंप्यूटर पे जहां पे वो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जिसको उन्होंने हैक करना होता है, और इसमें मल्टीपल सोर्सेस से या मल्टीपल कंप्यूटर्स से अटैक करने का मकसद ये होता है कि अगर दो या तीन या चार कंप्यूटर्स को के अटैक को सिक्योर कर भी लिया जाता है तो मल्टीपल अटैक्स जब किए जाएंगे तो उसमें से अगर लेट्स से 20 डिफरेंट कंप्यूटर से अटैक किया जा रहा है और 5 को या 6 को या 8 को आपने काउंटर कर लिया है तो बाकी 12 जो हैं उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा उस वेबसाइट पे। स्निफिंग की हम बात कर रहे थे जी, स्निफिंग इज द प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग ओवर अ नेटवर्क। एक आप ये कह लें कि ऑब्जर्व करता रहता है आपके इंफॉर्मेशन को, आपके इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करता रहता है और वो इंफॉर्मेशन फिर कहीं किसी इलीगल काम के लिए, किसी अब्यूजिव काम के लिए यूज की जाती है। देन अनदर टाइप इज इनसाइडर जॉब्स, इज द सिंगल लार्जेस्ट फाइनेंशियल थ्रेट। अब आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, इस ई कॉमर्स की जितनी भी जो थ्रेट्स हमने देखी हैं वो अगर उस बंदे के थ्रू हो सकते हैं तो ये सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल थ्रेट है आपके पास। फिर इसके बाद ये चीज देखना है कि जी ये पुअरली डिजाइंड सर्विस एंड क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमें बहुत से लोग जो कि वेबसाइट ओनर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, नहीं पता होता उन्हें, और वो शायद प्रोग्राम चूज करने में बहुत सी गलती करते हैं और ये बाद में उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए यू नीड टू हैव अ गुड कंसल्टेंट, यू नीड टू हैव अ गुड IT कंसल्टेंट जो कि आपको रिकमेंड कर सके कि सर्वर क्लाइंट आपका क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए। इन कॉमन थ्रेट्स इन द ई कॉमर्स एनवायरमेंट के बाद हमने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करनी है। आज मैं अभी जो आखिरी ये 2-4 मिनट में और मजीद आपके लूंगा, इसमें सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, लेकिन इन पे डिटेल से बात नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रहेगी बशर्ते जिंदगी रही। प्रोटेक्टिंग इंटरनेट कम्युनिकेशंस यानी कि एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन एक मेथड है। दूसरा मेथड जो है जिसपे हमने थोड़ी बहुत बात की भी थी जी SSL पे, ये है जी अबाउट सिक्योरिंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। SSL पे थोड़ी सी बात हो चुकी है लेकिन दैट वॉज एन इंट्रोडक्शन, सो अभी थोड़ी सी जरा डिटेल से बात होगी। फिर एक SHTTP है, दैट इज सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। देन देर आर VPNs, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, इन पे बात करेंगे जी। प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स, हम फायरवॉल्स के थ्रू उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर्स के लिए यूज हो रहा है लेकिन नेटवर्क की जब हम बात करते हैं फायरवॉल उसमें आ जाता है। प्रोटेक्टिंग सर्वर्स एंड क्लाइंट्स, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक लास्ट स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, टूल्स अवेलेबल टू अचीव साइट सिक्योरिटी, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास इनक्रिप्शन है, उसी जो भी मैंने बात की है उसी का एक और आप कह लें कि थोड़ा सा खूबसूरत व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इनक्रिप्शन है जी, फायरवॉल्स है, देर आर सम सिक्योरिटी टूल्स, देर आर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जिनके बारे में हम बात कर भी चुके हैं, मजीद भी करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं,
टनलिंग है जी जो यूज की जा सकती है, प्रॉक्सी या एजेंट सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन होती है, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है जी, एक्सेस कंट्रोल्स जो है उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसे ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हमें काम देंगे, और ये सारे जितने भी आपने अभी ये 10 डिफरेंट टूल्स देखे हैं, ये 10 डिफरेंट टूल्स के सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक ब्लॉक बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये सारे जो 10 के 10 नेटवर्क्स हैं ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं। इन टूल्स के बारे में, इन जो हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं अबाउट यू कैन से सिक्योरिंग द नेटवर्क और सिक्योरिंग द ट्रांजैक्शन, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आपसे बात होगी। समरी बहुत ही ब्रीफ सी मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने आज जो चीजें कवर की हैं ऑल्दो के बहुत डिटेल में मैंने आपसे बात की, लेकिन स्टिल वी हैव सम टेक्नोलॉजीज, वी हैव सम थिंग टू सम अप कि ई कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरमेंट जो है वो क्या होता है, वो क्या है, उसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर की, कुछ हमने फिगर्स डिस्कस किए, फिर हमने ये भी देखा कि मर्चेंट व्यू और कस्टमर व्यू क्या है, अबाउट सम सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स हमने देखे कि ई कॉमर्स में क्या क्या हो सकते हैं, और लास्ट में हमने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात की जिसका मेरा आपसे वादा है कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे डिटेल इसकी डिस्कस होगी। और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो है ये इंटरकनेक्टेड पार्ट है सिक्योरिटी के साथ। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेके आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।